आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक बिलारी के गांव सलारपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 6 किलोमीटर है। 1400 वोट और 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती मुन्नी देवी के हाथों में है। इन्होंने गाँव में अच्छे कार्य कराए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्ष में इन्होंने कितना विकास कराया है आगे जानते हैं प्रधान पुत्र की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित कुमार, प्रधान पुत्र, सलारपुर से, विकास खंड डिलारी, तहसील ठावा, जिला मुरादाबाद से। सर 4 वर्ष हो गए हैं यहाँ कार्यकाल को आपके, 4 वर्ष में आपने क्या क्या विकास यहाँ कराया है और किस किस तरह से कराया है? इन 4 वर्षों में काफ़ी विकास हुआ है। जैसे कि ग्राम सलारपुर के जनता ने हमारी माता को भारी मतों से प्रधान चिन्हित किया है। हमने आज से लोगों के विश्वासों को नहीं टूटने दिया है। उसी के अनुसार हमने 4 वर्षों में बहुत काम करा दिया है। पिछले 20 वर्षों से इतना काम नहीं हुआ जितना 4 वर्षों में काम करा दिया है। हर एक व्यक्ति के हैं घर पे, घर तक हमने टाइल्स बिछवा दिए हैं, फड़ंजे करा मतलब टाइल्स करा दी, नाली वगैरह बनवा दिए हैं। सर स्कूलों में भी काम कराया कुछ? स्कूलों में हमने बहुत काफ़ी काम कराया है। पहले स्कूल एक खंडर की तरह हुआ करता था। इन 4 वर्षों में मैंने स्कूलों के प्रांगण में पहले काफ़ी गहराई थी, मट्टी डलवा के उसमें टाइल्स बिछवा के प्रांगण बहुत अच्छी तरह से कर दिया था। और चारों की बाउंड्री टूटी हुई थी, चारों की बाउंड्री कराने के बाद मेन गेट भी लगवाया बड़ा वाला उसको अच्छे से, और शौचालय बनवाए 2, और वगैरह मतलब बच्चों को बैठने, बच्चे ठंड में नीचे बैठते थे तो मैंने स्टील की बेंचें वगैरह लगवा दी। ODF हो गई पंचायत? हाँ, हमारी पंचायत ODF हो गई, 1 साल हो गया है। कितने शौचालय से ODF? मैंने 203 शौचालय बनवाए हैं गाँव में। प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिले हैं यहाँ? प्रधान जी लोगों को आवास मिले हैं। ऐसे पात्र माना पात्र कितने व्यक्ति होंगे जो आवास चाहते हैं? लगभग गाँव के पात्र 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो आवास के पात्र हैं। यहाँ सम्मान निधि का पैसा मिलता लोगों को? यहाँ सम्मान निधि पैसा का लोगों के खाते में आ रहा है। प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है, किसानों को लाभ मिल रहा है। जो सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्जवल कनेक्शन, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन हुए हैं, क्या लोगों को इनका लाभ मिला है? यहाँ उज्ज्वल गैस कनेक्शन के अंतर्गत लोगों को लाभ मिला है। राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड है लोगों के बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड वगैरह लोगों को मिला है और उनका लोग लाभ भी ले रहे हैं। वो राशन कार्ड हर घर के में जो पात्र हैं उन्हें मिल रहा है। राशन अस्पताल है या बना हुआ? यहाँ अस्पताल है, वो केंद्र बना हुआ है। डॉक्टर नियमित बैठते हैं? डॉक्टर वगैरह बैठते हैं और NM वगैरह वहाँ टीकाकरण भी करती हैं। संतान घाट कब्रिस्तान है बना हुआ है? संतान घाट बना हुआ है हमारे यहाँ, कब्रिस्तान भी बना हुआ है यहाँ पे। बाउंड्री वैल हो चुकी है? बाउंड्री वगैरह ये थी, उसमें आरती मस्जिद थी। पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ? पंचायत घर है यहाँ पर, दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र है मगर आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ नहीं है। सरकार से उसकी मांग रखी है, जल्दी उसका बन जाएगा। 2020 का जनवरी चल रही है, 9 वर्ष का महीना चल रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे ग्रामवासी? 2020 में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में गाँववासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और उनसे अपील करूँगा कि ऐसे ही विकास करने का वो मौका देते रहेंगे।